इश्क़ इरफ़ान की दौलत रशीदी में है। फूल शाख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। आफ्ताब छुप गया तो क्या, सुबह तो आएगी जरूर, शर्त ये है थोड़ा वक्त का इंतजार कीजिए। हाजरीन, बहुत जबरदस्त मजमा है, दूर दूर तक सर दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक मजमा है जी। हमको लगता है कि रबीउल नूर के बाद ये बारहवीं शरीफ के बाद शहर पूर्णिया का सबसे बड़ा जलसा आज हो रहा है। पूरा इलाका ये उमड़ पड़ा है। आइए, एक और सबसे बड़ी बात अभी मुझे पता चला, इस चौक का नाम मौलवी चौक। जी 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 बेशक। क्या नाम? मौलवी टोला। मौलवी टोला मधुबनी पूर्णिया बिहार। क्या नाम रखा यार? देखिए वक्त नहीं है मेरे पास, ठीक है। हजरत मौलाना आरिफ हुसैन साहब ये रहने वाले गांव का नाम है कन्हरिया बाईसी पूर्णिया। मैंने मोहम्मद में रखा था, खोल दिया, वहीं के रहने वाले। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई भैया, बहुत अच्छा बोल रहे थे। क्या कह रहे थे यूट्यूबर वालों? शेर सुनो यार, आप शेर सुनो भैया। क्या स्याही कलम लिखे कसीदा तेरा, उलमा शेर मुलाहिजा करें। क्या स्याही कलम लिखे कसीदा तेरा, सूरे व शम्स की तफसीर है चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। कलम लिखे कसीदा तेरा, सूरे व शम्स की तफसीर है चेहरा तेरा, ताकि साया भी तेरे कद से ना आगे जाए। मालिक के कुल ने बनाया नहीं साया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक के कुल ने बनाया नहीं साया तेरा। शेर भारी हो गया था, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, अब एक शेर सुनाता हूं, देखता हूं किसको समझ में नहीं आता। शेर सुनिए, मैं जानता हूँ पूरा मजमा बोलेगा। आइए, पूर्णिया है पूर्णिया, पूर्णिया के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे। मैं 1900 हमको लगता है 96-97 से पूर्णिया आ रहा हूँ। 2001 में मैं गालिबन अरबी कॉलेज में आया था, आज से 23-24 साल पहले। अब फिर लगातार आ रहा हूँ, कोई महीना नहीं है जो पूर्णिया जिला में नहीं आऊँ। एक शेर पूर्णिया को मैं कायदे जानता हूँ। पूर्णिया के लोग बड़े भोले भाले सीधे साधे लोग हैं। अरे एक और बताऊँ, पूर्णिया में बड़े उलमा है। यहाँ के उलमा हिंदुस्तान के बड़े बड़े दरगाहों में बड़ी कुर्सी पे बड़ी कुर्सियों पे यहाँ के उलमा फायदे हैं। मैं तो कहा था गालिबन अरबी कॉलेज में या तंजीमुल मुस्लिमीन के इधर से मैंने कहा था कि एक डेला आसमान में उछाल दीजिए, वो डेला किसी के सर पे गिरेगा, वो सर किसी मौलवी का होगा। इतनी कसरत है मौलवी की। अल्लाह ताला इस इलाकों को सलामत रखे, आमीन। अभी बोला फैजी साहब हमारे दोस्त हैं, एक शेर सुना के उनको आवाज देता हूँ। वो नूर है या बशर, इधर देखो ना भाई, वो नूर है या बशर, ये ख्याल आए है। वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? वो नूर है या बशर, ये ख्याल कैसा है? खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? सुभान अल्लाह सुभान। खुदा के बाद है वो, फिर सवाल कैसा है? दोस्तों आइए तेजी के साथ चलता हूँ। झारखंड में बहुत खूबसूरत जगह है मधुपुर। उसी मधुपुर की आप नुमाइंदगी फरमाते हैं, जहाँ वो जमीन बड़ी जरखेज है, उलमा की जमीन है, शुआरा की जमीन है, नुकबा की जमीन है, आशिक के मुस्तफा की जमीन है। वो जमीन बड़ी जरखेज है यार, वो जमीन हीरा मोती नहीं उगलती, उगलती है तो उलमा पैदा करने से। उसी जमीन की नुमाइंदगी हजरत हबीबुल्लाह फैदी फरमाते हैं बड़े अदब के साथ। हिंदुस्तान गिर शोहरतों का मालिक, मुल्क गिर शोहरतों का मालिक, दिल गिर शोहरतों का मालिक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बाद तक
आसाम की पहाड़ियों से लेकर हिंद महासागर के दहलीज तक जितने अपने भारत को अपने कदमों से फैजयाब किया है वो भारत का बेटा इस्लामी स्कॉलर अब आपके बीच बहसियत शायर तशरीफ ला रहा है। यादव अदब अदब गाहे इश्क है यार। ए भाई प्रोफेसर साहब तशरीफ मौला कुतुबुद्दीन साहब उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अहमिया सुनिए सुनिए तुम लोग फ्री में सुनो यार गुफ्तगु उनसे रोज होती है सरकार शेर सुने गुफ्तगु उनसे रोज होती है मुद्दत तो सामना नहीं होता गुफ्तगु उनसे रोज होती है मुद्दत तो सामना नहीं होता। प्रोफेसर साहब एक शेर बारगाह में लगता हूँ वादा तो कर गए क्या सुनिएगा वादा तो कर गए क्या आएंगे ख्वाब में मारे खुशी की नींद ना आए तो क्या क्या मारे खुशी की नींद ना आए दोस्तों वक्त नहीं है आई हैव नो टाइम इसीलिए मैं शुरू से चिल्ला रहा था कि वक्त बचाओ वक्त बचाओ वक्त बचाओ यही हो गया अंजाम देख के दो बजे जा रहा अब हजरत जब दो बजे तक बोले आएंगे माइक पे तो बोलेंगे कब तक फिर सिद्दीकुल हसन झारखंडी कब बोलेगा ये मसला हो गया आप जानिए अब मैं चाहता हूँ कि बड़ी शख्सियत है आप आले नबी हैं औलादे रसूल हैं पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत आमिया सुन्नत माहिए बिहत पाए कुल हिकमत यानी हजरतुल अल्लाम हुजूर सैयद शाह वहदुद्दीन माग अशरफ अशरफुल जिलानी कछौछा मुकद्दसा कोहलचल सिवानी बड़े अदब के साथ ये कह रहा है यूं इश्क में खुद को तेरे सरचार करूं यूं इश्क में खुद को तेरे सरचार करूं तू सामने आ तेरा दीदार करूं मत ले शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का मत ले शेरो सुखन पे नूर छाया नूर का अब मैं कशो मस्ती मनाओ मौसम आया नूर का आई हैव नो टाइम एकदम टाइम नहीं है वक्त नहीं है तीन से ऊपर सवा तीन हो गया झारखंडी बाबा बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में एक दिन भी इनकी तारीख खाली नहीं है कोरोना में सब लोग घर में बैठे थे ये जलसा पड़ रहे थे इतना मशहूर आदमी इतना लीडर आदमी भारत में नहीं है कोई तो मैं चाहता हूँ कि बाबा को आवाज दें लाइए आइए बड़े अदब के साथ खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौला सिद्दीक साहब किबला मदरसे लोहनवानी अलमारू झारखंडी बाबा से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाइए।